नमस्कार मैं मान्या राजपूत आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी का खास कार्यक्रम लघु कहानिया जिसका शीर्षक है नकारात्मक सोच वाले लोग एक बार एक चील का अंडा किसी तरह जंगली मुर्गी के घोंसले में जा गिरा और बाकी अंडों के साथ जाकर मिल गया समय आने पर वह फूटा और चील का बच्चा यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है अब वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती वे जमीन से ज्यादा फीट ऊंची उड़ान नहीं भरता और मुर्गियों की तरह ही कुड़कुड़ाता ऐसा करते करते एक दिन उसने चील को आकाश में बड़ी शान से उड़ते हुए देखा तो उसने मुर्गी से पूछा उस सुंदर चिड़िया का क्या नाम है तो मुर्गी ने जवाब दिया वह सुंदर चिड़िया चील है वह बड़ी शानदार चिड़िया है पर तुम उसकी तरह नहीं हो सकते क्योंकि तुम तो मुर्गी हो ना अब चील के बच्चे ने बिना सोचे समझे मुर्गी की बात मान ली और वह सारी जिंदगी मुर्गी का जीवन जीता हुआ ही मर गया सोचने की क्षमता ना होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वह जीतने के लिए पैदा हुआ था परंतु दिमागी रूप से हार बैठा। कि कि मार्शल आर्ट्स में भी सिखाया जाता है कि अगर कोई हम पर हमला करे तो अपनी जगह से हट जाना चाहिए उसे रोकना नहीं चाहिए ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल अच्छे कामों में क्यों ना किया जाए कुछ लोग जब हम कामयाबी हासिल करते हैं तो हमारी टांग खींचने की कोशिश करते हैं उनको अपने मकसद में कामयाब ना होने दें याद रखिए कि किसी भी इंसान का चरित्र इस बात से नहीं आंका जाता कि वह किसकी सोबत में रहता है बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वह किसकी संगत नापसंद करता है धन्यवाद